बलरामपुर नंद नगर जुम्मन डीह निवासी वीरेंद्र कुमार अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। एक बहन थी जिसकी शादी पहले ही हो गई। वीरेंद्र की मौत पर माँ बाप का गहरा आघात लगा है। उसकी बारात 11 जुलाई को दार्जिलिंग गांव में जानी थी। अचानक हादसा होने पर दो परिवारों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। वीरेंद्र कुमार के पिता ओमनाथ व माता प्रभावती का रो रो कर बुरा हाल है। दोनों अपने बेटों को याद कर बुरी तरह से रो रहे हैं। ग्रामीणों की भीड़ उनके घर पर जमा थी। सभी औरतें उनको ढांढस बंधा रही थीं, लेकिन प्रभावती बार बार बेहोश हो जा रही थी। तुलसीपुर के प्रभारी निरीक्षक अशोक सिंह ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा करवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। क्या नाम है? ओम प्रकाश पांडे। कहाँ रहते हैं? निवासी नंदनगर जुमंडी। ये बताइए कि ये जो करंट लगा था टोल प्लाजा पे, जी ये आपके कौन हैं? ये हमारे बड़े दादा के नाती हैं, मतलब हमारा लड़का है भाई के और भतीजा लगता है। ये कितने दिन पहले घर से आए थे यहाँ? ये लगभग 4-5 दिन पहले आए थे। अच्छा, ये कंपनी में काम कर रहे थे। तो ये करंट कितने बजे लगा कल? लगभग 9 बजे के आसपास रात में बता रहे हैं। कैसे लगा आपको, जानकारी कैसे हुई? हमें जानकारी मिली जो उनके साथ में रहते थे, उन्होंने बताया कि हम रोटी बना रहे थे। उनके साथ में कौन रहता था? उनके मामा के लड़के। अच्छा, तो क्या बताए? उन्होंने बताया कि हम रोटी बना रहे थे और लड़का मोबाइल में फ़ोन मिला, घर पे बात कर रहा था और बात करते करते जो है खैर लैट्रिन तो उसमें बनी थी अंदर, लेकिन वो बाहर गया लैट्रिन के लिए, तो वही नीचे नंगी तार थी, तारें नहीं थी, उसी जोड़ी थी। तो हम लोग गए थे मौके पर, देखे हैं तो उसी में उसका पैर फंस गया और उसी से मर गया। मतलब वहाँ मृत्यु नहीं हुई, वहाँ से लेके यहाँ अस्पताल पे आए और यहाँ डॉक्टर ने उसको मृत्यु घोषित कर दिया। ये जो लड़का है वो कितने साल का रहा होगा? इसकी एज कम से कम 22-23 के आसपास। उसकी शादी ही कहीं? हाँ, शादी तय हो गई थी हमारे 3 जुलाई को उसकी तिलक थी और 11 जुलाई को उसकी शादी थी। कहाँ पे शादी तय हुई? शादी उसकी तय हुई थी दर्जनिया गांव है हमारे बरदोलिया के पास में। वहीं पे लड़की दिखाई भी हो गया था, परीक्षा भी हो गया था, खुशियाँ बहुत थी, लेकिन सब माता में बदल गई। माता में बदल गई। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।